Good morning, my lovely friends. I am S. Kiran sir. Welcome to our back today's science activity classes. Friends, I hope little bit you are too curious to know, sir, which type of activity today we will perform. Students, बेटा आज तो संडे है, थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए. और टुडे स्लाइटली वी विल डिफरेंट डू बाय द एक्टिविटी. आई होप स्टूडेंट्स व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वी विल परफॉर्म टुडे डू यू नो. बेटा टुडे वी विल नो हाउ अ नीडल कैन बी फ्लोट ऑन वाटर. बेटा आपने कभी नीडल्स देखा है? नीडल्स सुई जिसे कहते हो, क्या कहते हो आप? जिसे आप सुई कहते हो. आप देख सकते हो जिस तरीके से आपकी मम्मा घर पे वो जो कपड़े स्टिच करती है कभी कभी, वही नीडल्स लेना है बेटा आपको, ठीक है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्टिविटी, फर्स्ट यू प्रॉमिस टू मी एवरीवन दैट यू विल डू और यू विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स वन, ठीक है बेटा? सबसे पहले आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप जो एक्टिविटी करोगे या तो आप अपने फादर मदर के सामने करोगे, ठीक है बेटा? क्योंकि थोड़ी सी रिस्क है, अगर ये इंजेक्ट हो जाता है आपको बॉडी में तो थोड़ा सा आपको पेन होगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपको पेन हो, ठीक है बेटा? बट ये हमारे साइंस का पार्ट है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है, इस वजह से हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये नीडल्स आखिर पानी में कैसे फ्लोट कर सकता है, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हमें ये जानना है. तो चलिए अब हम चलते हैं एक्टिविटी की दुनिया में और आज थोड़ा संडे को कुछ अलग बनाते हैं और संडे को थोड़ा एंजॉय करते हैं. बट बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू कलेक्ट अ नीडल्स. जस्ट यू आस्क फॉर दिस नीडल्स टू योर मम्मा, ओके? आप अपनी मम्मा से कहिए कि माँ मुझे एक नीडल्स दे दो, ठीक है, जैसे आप कपड़े सिलती हो, ठीक है बेटा? तो ये अगर स्मॉल वन है तो ज्यादा बेटर है आपके लिए. आफ्टर दैट जस्ट यू कलेक्ट अ पीस ऑफ सिंपल पेपर, ओके बेटा? नॉट लाइक दिस, यू टेक अ लार्ज वन, स्मॉल वन ऑल्सो, वेयर दिस नीडल्स कैन बी एडजस्ट बेटर वे, ओके स्टूडेंट्स? चलिए अब हम ये दो के अलावा यू कैन आस्क सर व्हाट कैन मोर रिक्वायरमेंट्स आर देयर. तो जस्ट आई लेट यू नो स्टूडेंट्स, यू टेक वन बॉल वाटर. आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यू हैव टू कलेक्ट वन बॉल वाटर, ओके, एंड कीप ऑन द टेबल्स एंड लेट इट बी प्लेस एंड पीसफुली सो दैट वाटर्स वाइब्रेशन मस्ट बी साइलेंट, ओके? एंड स्टूडेंट्स कम टू द टॉपिक. सो स्टूडेंट्स सी व्हाट वी विल डू फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीस ऑफ पेपर will keep on the surface of water, okay, and very slowly just keep this needles in same way. Think, see that now needles are on the paper, but little bit the time, at the passage of time, it will see, you will flow, it will be fluid. See, little bit, slightly, if the corner of the paper with the needles, just you put it in the water. स्लाइटली और स्लोली स्लोली बेटा, एकदम बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है. आप स्लोली नहीं करोगे ये नीडल्स नहीं फ्लोएट करेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेपर शुड बी सिंक इनसाइड द वॉटर स्लाइटली. वेट 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 वेट, डोंट बी हरी, डोंट बी हरी, डोंट बी हरी. सी स्टूडेंट्स हाउ द नीडल्स आर फ्लोटिंग. सी द पेपर आर डाउन साइड्स एंड नीडल्स आर फ्लोटिंग, यू कैन सी. तो यू हैव टू कीप द पेशेंस ऑन दैट वे टिल द पेपर विल सिंक एंड नीडल्स विल फ्लोट ऑन द वाटर. आई होप दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग नीडल्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर. देखो बेटा किस तरीके से जो नीडल्स है ये पानी में तैर रहा है, देख पा रहे हो आप लोग? आई होप आपने कभी ना देखा होगा ना कभी आपने सुना होगा, लेकिन हाँ आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि आप जब भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे पेरेंट्स के पास में करोगे
और बहुत ही पेशेंस के साथ करके बेटा, जरा जरा सा भी डिस्टरबेंस हुई वाटर में, ये क्या होगा, नूडल्स सिंक कर जाएगा, कभी भी ये फ्लोट नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए इसे फ्लोट करने के लिए आपको बहुत ही अटेंटिवली करना है और बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, ठीक है तो बेटा? बेटा, डू यू नो बेटा व्हाई अ नीडल इज फ्लोटिंग? अ नीडल इज फ्लोटिंग ड्यू टू द सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन डू यू नो? आपको पता है सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन वो होता है बेटा, एक ऐसा टेंशन होता है जो वाटर के सरफेस पे लगता है। जब वाटर के सरफेस पे किसी भी तरीके की वाइब्रेशन होती है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अगर डिस्टर्ब होता है तो एक वो होता है टेंशन, ठीक है। तो जब आप निडल्स को वाटर पे कीप कर रहे हो, वाटर सरफेस पे रख रहे हो आप, उसमें होता क्या है कि वो वाटर और निडल्स की जो रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है बेटा, उसको बैलेंस करना होता है। और जब वो बैलेंस होता है, इसी कारण से वो निडल्स फ्लोट कर पाता है। इसी चीज़ों को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है बाबू? आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड नाउ एन्जॉय योर संडे। थैंक यू।